आइए हम लोग क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को 10th में 9th में पढ़े हैं, जो वहाँ की बातें आपने पढ़ा है उन बातों की चर्चा पहले कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग 11th की ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, आगे आप जब 12th में जाएंगे पूरी कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री भरी हुई है और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले इनका यूज लगभग हर चैप्टर में कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पहले 11th की ट्रिग्नोमेट्री वैसे बहुत अच्छी है, आप थोड़ा सा मेहनत करोगे आपको ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी क्लास साथ में चल रही है, ठीक है। आइए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, तो मैं उसकी बात करता हूं जो आपने पिछली कक्षाओं में 9th या 10th में पढ़ा है। जैसे आपने वहां पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, जिस ट्रायंगल को बोलते थे राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज बोला करते थे, उस समकोण त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बना देता हूं, ए बी सी, ये जो आप पढ़े हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया और ये जो एंगल आपने ए देखा है इस एंगल को मैं मान लिया थीटा है, ठीक। और अगर ये एंगल थीटा है तो फिर आप ये भी जानते हैं कि अगर ये एंगल थीटा मैं बोलता हूं तो इसके लिए इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, इसे आप बोलते हैं बेस, बेस मतलब आधार, इसे आप बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कोण, मतलब आप इसे बोलते हैं ये लंब लिखा हुआ है, ये आधार है और ये है आपका कोण, ठीक है। त्रिभुज की अगर दो भुजाओं को लेकर के, मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल की किसी दो साइड को लेकर के हम रेशियो बनाएं, तो रेशियो अपने पास किस तरह से बनते हैं जरा इसे सोचिए। रेशियो का मतलब होता है एक दूसरे साइड को डिवाइड करना। देखो अगर मैं इन दो साइड का रेशियो बनाता हूं तो इसे मैं ये बोल सकता हूं सर ये बीसी अपॉन एसी हो सकता है। देखो साइड मैंने बीसी लिया और एसी लिया, इन दोनों का रेशियो बनाया ये बना। अगर मैं इन दोनों का रेशियो बनाता हूं तो इसे बोलूंगा ये ए बी अपॉन एसी लिखा हुआ है, और जिस दिन इन दोनों का रेशियो बनाऊंगा उस दिन ये बन जाएगा बीसी अपॉन एबी। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम दो दो साइड को लेकर के रेशियो बनाएं, इन दो साइड को एक साथ लेकर के रेशियो बनाया तो इसे बोला, इन दोनों साइड को लिया तो रेशियो ये बना, और जब इन दो साइड को लिया तो रेशियो ये आया, रेशियो मतलब अनुपात। फिर आप चाहे तो इन दोनों साइडों को फिर आवर्स में इसको उल्टा कर दें, ऐसे ये एसी अपॉन बीसी कर दें, इसे एसी अपॉन एबी कर दें, इसे एबी अपॉन बीसी कर दें, तो तीन रेशियो और आपको मिलेगा। मतलब अगर आप चाहें तो इसे आप लिख दें इसे एसी अपॉन बीसी, इसे आप लिख दें एसी अपॉन एबी, और इसे आप लिख दें ए बी अपॉन बी सी, तो आपके पास तीन रेशियो इधर से ही मिलता है। ये जो रेशियो आप देख रहे हैं, देखो भाई अपने पास किसी भी ट्रायंगल को लेने पर, तो वास्तव में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री तो आपको बताइए ही होगा कि समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं, जब आप राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो इसके दो दो साइड को लेकर के जब आप रेशियो बनाते हैं कुल मैक्सिमम 6 रेशियो फाइंड होते हैं, 6 अधिकतम अनुपात बनते हैं, और 6 रेशियो में 3 रेशियो ये बनता है और 3 रेशियो इसी का रेसिप्रोकल है, मतलब इसी का उल्टा बनता है 3 रेशियो, और कुल टोटल 6 रेशियो आपके पास बनते हैं। इन 6 रेशियो को 6 नाम दिए गए, जैसे इसे नाम दिया गया है साइन थीटा, थीटा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में सारे कुछ काउंट हुआ है। आप इस एंगल को लिए हो तभी तो बोल रहे हो कि ये लंब है, अगर आप इस एंगल को लेते हैं तब उसके लिए लंब ये बनेगा,
इस एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं इसीलिए इसे थीटा बोला हूं, तो ये साइन थीटा है, इसे बोला है साइन थीटा है, और इसे बोला ये कॉस थीटा है, फिर इसे बोला ये टेन थीटा है, क्योंकि ये इसके रेसिप्रोकल से बना है, इसी को उल्टा किया है कि बना है, तो साइन के लिए बोल दिया है कोसेक थीटा बन रहा है, और कॉस वाले को बोला ये सेक थीटा है, और टेन के लिए बोला ये कॉट थीटा है। अभी मैं वो बातें रखता हूं जिसे आप पहले से जानते हैं, पहले से आप ये सब बातें जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग साइन कॉस टेन कॉट कैसे समझते हैं और क्या होते हैं, ये बातें आप जानते हैं, ठीक है। अब आइए मैं वो बातें करता हूं जो थोड़ी बहुत यहां से रिलेटेड होंगी, और फिर उनको भी पढ़ते हैं, ये आप जानते हैं, मैं छोटी सी बात रखता हूं, अभी कुछ बातें और भी बताऊंगा जिसे आप पहले से जानते हैं, फिर आपको धीरे धीरे हम यहां से रिलेटेड करा देंगे कि अपने एलिमेंट से कैसे उसका रिलेशन है, और यहां से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए ये बात हो गई, अब एक बात और करता हूं, अगर मैं एक सर्कल लूं वृत्त, जिसे आप वृत्त बोलते हैं भाई, मैंने एक वृत्त लिया, देखें ध्यान से समझें, ये बहुत ही काम की चीज है, और अगर ये समझ में आ गई तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेस समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है, ये आपको पहले से जानते रहना चाहिए, फिलहाल अगर नहीं जानते हैं तो बता देता हूं। देखो यहां पर एक मैं वृत्त लिया हूं, ये एक्स और ये वाई एक्सिस है, इसको तो आप जानते हैं, ये मैं एक वृत्त लिया हूं तो इसका कोऑर्डिनेट मतलब ये तो सेंटर हो गया ना, अरे मूल बिंदु है भाई, ये मूल बिंदु जिसे बोलते हुआ, तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट तो 0 0 होता ही है, इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, ठीक है कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेट से लेना देना नहीं है, फिलहाल मैं इसे मान लेता हूं O, और मैं यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं P, और P के कोऑर्डिनेट को चलिए मैं एक मिनट के लिए एक्स वाई मान लिया, पी से मैं ओ को मिला दिया, पी से ओ को मिला दिया, आप सब लोग जानते हैं कि जब मैं पी से ओ को मिलाता हूं कि वृत्त की त्रिज्या है, और इस वृत्त की त्रिज्या को अगर मैं आर बोल दूं, स्मॉल आर, समझ रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या को मैंने स्मॉल आर बोल दिया, अब आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर इस पी पॉइंट किसी दिन यहां आता है तो फिर वृत्त की त्रिज्या ये रहेगी, वो आज भी आ रही है, किसी दिन अगर यह पी पॉइंट घूमता हुआ यहां आ गया तो भी त्रिज्या आ रही होगी, और अगर यह पी पॉइंट यहां आ गया तो भी त्रिज्या आ रही होगी, ऐसे सोचो, पी अगर किसी दिन यहां चला आया तो पी के लिए यह त्रिज्या बनेगी, और यह त्रिज्या आज भी आ रहे है, अगर पी यहां आ गया सर तो क्या होगा, फिर ये वाली डिस्टेंस त्रिज्या बनेगी, ये फिर आज भी आ रहे हैं, पी अगर कभी यहां आ गया तो भी ये त्रिज्या बनेगी, वो भी आ जा रहा है, लेकिन जरा इस पॉइंट के बारे में सोचो, ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, जब ये पी पॉइंट यहां आएगा तो इधर आने पर, मतलब आप सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इधर आने पर एक्स की वैल्यू तो निगेटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसका कोऑर्डिनेट आपके पास माइनस एक्स गामा वाई बनेगा, और जिस दिन ये आपको निर्देशांक जानती है इतना तो आपको जरूर आता होगा, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों निगेटिव होते हैं, तो फिर इसका क्वाड्रेंट माइनस एक्स कामा माइनस वाई होगा, और जैसे ही आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है, तो इसका क्वाड्रेंट एक्स कामा माइनस वाई होगा। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री की कोई बात नहीं किया, अभी मैं केवल बात किया हूं कोऑर्डिनेट की, जिसमें निर्देशांक अक्षों में आप ये एक्स वाई पॉइंट को रिप्रेजेंट करना जानते हैं, जैसे आप किसी ने कहा कि सर माइनस टू कामा माइनस थ्री पॉइंट कहां होता है, तो आप ऐसे सोचो माइनस टू इधर आते हो माइनस थ्री इधर आते हो तो बोलते हो कि यहां पर माइनस टू कामा माइनस थ्री है, मैं इसी तरह से लिखा हूं माइनस एक्स कामा माइनस वाई अगर पॉइंट है तो ये इस थर्ड क्वाड्रेंट में बनने वाला है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बात करता हूं, अब मैं अपनी बात ऐसे रखता हूं
इस P से यहां एक परपेंडिकुलर लिया, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, P से मैंने यहां एक परपेंडिकुलर लिया, इसको मैंने मान लिया M, और ये तो आपने O पहले से मान रखा है, ठीक है, ये क्या है, इसको मैं बोल रहा हूं O है। अब जरा सोचो, यहां से अगर परपेंडिकुलर लिए होती है 90 का एंगल हुआ क्या, इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं, तो आपके पास एक ये समकोण त्रिभुज बन गया, बोलो समकोण त्रिभुज है। इसी के साथ साथ मैं एक बात और आपसे पूछ रहा हूं, अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो क्या आप ये बात जानते हैं कि यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग एक्स बोलते हैं और इस वाली डिस्टेंस को हम लोग वाई बोलते हैं, तभी इसका कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई बना है। तो जिस दिन अगर इस ट्रायंगल में मैं साइन थीटा की बात करूंगा, ध्यान से सुनो, जिस दिन इस त्रिभुज में अगर मैं साइन थीटा की बात किया तो आप बोलोगे कि साइन थीटा के लिए सर लंब बटे कोण होता है, अरे ये लंब बटे कोण होता है, तो लंब आप बोलोगे पीएम और कोण बोलोगे ओपी, आप ये बोलोगे, ये इसका मतलब होता है पीएम अपॉन ओपी, इसको हिंदी में लिख लेना, ये लंब बटे कोण की बात कर रहा हूं, ये आप जानते हैं पहले से, तो पीएम अपॉन ओपी बोलूंगा। फिर इसका मतलब ये भी बोल सकता हूं कि साइन थीटा इक्वल टू पीएम का मतलब तो अपने पास वाई है, तो वाई अपॉन और ओपी का मतलब आर है। अब जरा मुझे एक बार ध्यान से सोच के बताओ, क्या इसमें वाई का मान पॉजिटिव है, देखो वाई यहां प्लस में है और आर, तो एक चीज और नोट कर लो, आर हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे आर कहीं भी चला जाए, वृत्त की त्रिज्या अगर तीन है तो तीन ही रहेगी, वो कभी भी माइनस की नहीं हो सकती, तो आर हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। अभी आप आगे चलेंगे तो इसको मैं आर नहीं, इसको मॉड आर बोल दिया करूंगा, मॉड आर हमेशा पॉजिटिव होता है। आइए बात करता हूं, ये वाई पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव मिलता है, इसका मतलब साइन थीटा कैसा है, साइन थीटा पॉजिटिव है। अब आप एक बार ध्यान से नोट कर लें, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है, तो सर कॉस थीटा क्या है, अब आप सोचो कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण लिखते हो, आधार का मतलब एक्स है, कर्ण का मतलब आर है, तो एक्स भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉस थीटा भी पॉजिटिव है, और साइन कॉस अगर दोनों पॉजिटिव है तो फिर मुझे निकालना चाहिए टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा कैसे निकलेगा सर, इसमें कर दो आधार लंब बटे आधार करो, तो लंब है वाई और आधार है एक्स, तो ये वाई भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, इसका मतलब टेन थीटा भी पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव। अब आपके पास तीन और बच गए, तो तीन तो इसी के उल्टा है, अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होना ही, कॉस पॉजिटिव है उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होना ही, और टेन पॉजिटिव है तो इसका उल्टा कॉट पॉजिटिव है। इसका मतलब आप ये निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसे ये छो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यार पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव है। आप सोच रहे होंगे मैं इसे बता क्यों रहा हूं, आपने रटा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस कोसेक पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव है, वो रटने से नहीं आएगा, मैं पूछता कैसे निगेटिव है, मैं आपको भी दिखाता हूं कि निगेटिव क्यों होता है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आगे की बात करता हूं, इसे हटाते हैं, अब इसे हटा करके मैं आपसे आगे की बात रखता हूं, अब मैं पहुंचता हूं सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब आप देखें सेकेंड क्वाड्रेंट ही आपको सारी बात क्लियर कर देगा, आगे की बातें आप खुद समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है। अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हो, देखो भाई इधर ध्यान से देखो, अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हो मतलब आज आप पी पर खड़े हो, तो यहां से आपने इसके परपेंडिकुलर लिया, ये सपोज दैट अपनी बार यम है, तो फिर आप जानते हैं कि किस डिस्टेंस की अगर आप बात करेंगे तो ये जीरो से मतलब ओरिजिन से इधर की डिस्टेंस ली गई है, ये माइनस एक्स होती है और ये क्या होता है वाई होता है,
इस एंगल को मैं थीटा ले रहा हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल आज ही बन रहा है। और अब आप अगर यहां sin थीटा निकालते हो तो sin थीटा के लिए फार्मूला लिखोगे ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण मतलब y अपॉन r लिखोगे। अब आज बोलो y के लिए आप क्या लिख रहे हो भाई, पॉजिटिव, r क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब sin थीटा कैसा है पॉजिटिव। अब आइए जरा कॉस की बात करते हैं, इसे ध्यान से समझना, कॉस थीटा की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप कॉस की बात करोगे तो कॉस के लिए आप लिखते हो आधार बटे कर्ण, तो आधार आपके पास आज माइनस एक्स है और कर्ण है आर, तो माइनस एक्स कैसा है निगेटिव और आर कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलकर होते कैसे हैं निगेटिव, इसीलिए बोलते हैं कि कॉस थीटा निगेटिव होता है। किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव आई है, इसलिए बोलते हैं कि कॉस थीटा सेकंड में निगेटिव है। अदरवाइज वो जो आप रटते हैं पहले में सब पॉजिटिव दूसरे में ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये सब रटने की चीज नहीं है, आपको ये जानना चाहिए कि क्यों निगेटिव है, कॉस थीटा निगेटिव फोर्थ में क्यों नहीं हो जाता, क्यों आप सेकंड में निगेटिव बोलते हैं, ये इसका मतलब है। कॉस हो गया। अब अगर आप टेन की बात करते हैं तो tan थीटा के लिए आप जानते हैं कि लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर y, अरे ये y और ये माइनस x। अब आप देखो यहां ये पॉजिटिव है यहां ये निगेटिव है, निगेटिव को अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को अगर निगेटिव से डिवाइड करते हैं तो निगेटिव आता है, तो tan थीटा भी निगेटिव, तो फिर आप इसका रेसिप्रोकल भी समझ सकते हैं, sin अगर पॉजिटिव है तो sin का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec थीटा, कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा ही, और अगर कॉस निगेटिव है तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, वो निगेटिव होगा, टैन का रेसिप्रोकल है माइनस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा भी निगेटिव होगा। ये मैं आपको सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर चुका हूं, ठीक है। अब आपसे मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूं। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप पूछते हैं बस ध्यान से समझ लो, थर्ड क्वाड्रेंट बता दूंगा, फोर्थ आप खुद से करेंगे और इसे आप कल बताएंगे मुझे कि कैसे हुआ, ठीक है। आइए मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूं। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में इन थर्ड क्वाड्रेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के बाद अगर आप P से परपेंडिकुलर लें तो P से परपेंडिकुलर आप इधर जाएंगे, बोलिए अब की बात M मान लीजिए, ये वाला पॉइंट M, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, इस एंगल को मैं थीटा ले रहा हूं, ये माइनस x है और ये माइनस y भी होगा, मतलब दोनों यही समझो दोनों नेगेटिव है भाई। अब मैं अगर sin थीटा लिखता हूं तो sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी माइनस वाई अपॉन आर आएगा, और इसमें वाई नेगेटिव है आर पॉजिटिव है, तब आप बोलोगे कि साइन थीटा नेगेटिव है, समझ गए। अगर आप इसमें कॉस थीटा की बात करते हो तो कॉस थीटा में लिखते हो आधार बटे कर्ण, आधार इसमें माइनस एक्स है और ये आर है, तो माइनस एक्स नेगेटिव है और आर पॉजिटिव है, तो फिर कॉस थीटा भी आप बोलते हो कि नेगेटिव है। अगर आप टेन की बात करते हो तो tan थीटा के लिए आप लिखते हो लंब बटे आधार, तो लंब इसमें माइनस वाई है, आधार इसमें माइनस एक्स है, तो माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स लिखते हैं, और ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है, ओवर ऑल टोटल ये पॉजिटिव है, इसीलिए आप tan थीटा की वैल्यू को पॉजिटिव बोलते हो, तो tan थीटा पॉजिटिव हो गया, इसका रेसिप्रोकल तब cot थीटा भी पॉजिटिव होगा, और साइन निगेटिव है इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा भी निगेटिव, अगर कॉस निगेटिव है इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा भी निगेटिव, ये निगेटिव ये निगेटिव ये दो पॉजिटिव, एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट इज, इस क्वाड्रेंट में अगर आप पी से परपेंडिकुलर लेते हैं तो इसमें एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई निगेटिव है। अब आप अगर इस एंगल को थीटा लेते हैं और इस एंगल को थीटा
मिटा लेकर के मैं इधर के एक फिगर को मिटा देता हूं। अभी आपको लग रहा होगा कि सब बिल्कुल इसमें बहुत फिगर बन गया, इसको मैं मिटा दिया, इस ऊपर वाले को भी मैं मिटा देता हूं। अब मैं बात केवल अपनी रख रहा हूं इस फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। अब देखो ये m हो गया, ये p है, ये डिस्टेंस आप जिसको x बोलते हो ये माइनस वाई, ये एंगल थीटा है। इस ओ पॉइंट को मैंने यहां ले लिया, इस एंगल को मैं बोल दिया ये थीटा है। चलिए ठीक है, ये r, ये डिस्टेंस x। अब अगर आप इसमें साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण की बात होती है, यानी माइनस वाई अपॉन आर की बात होगी। ये x कॉमा, ये x कॉमा माइनस वाई इधर हो गया। साइन थीटा की बात होती है तो माइनस वाई अपॉन आर की बात, लंब बटे कर्ण, माइनस वाई मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ओवर आर नेगेटिव। और अगर साइन नेगेटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी नेगेटिव होगा। अब आप अगर कॉस की बात करते हैं तो कॉस के लिए आधार बटे कर्ण होता है, आधार इसमें x है तो x अपॉन r लिखेंगे, इसमें लिखिए x पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है तो ओवर r ये पॉजिटिव, तो साइन और कॉस दोनों निकल के कॉस पॉजिटिव हो गया, इसका रेसिप्रोकल से भी पॉजिटिव होगा। अब आपके पास बच गया tan और cot, tan और cot को हम इधर लगा देते हैं, आप उस ट्रायंगल में देखें। अगर मैं बात करता हूं tan थीटा की तो tan थीटा में होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपने इसमें देखा माइनस वाई और आधार है x, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, तो tan थीटा नेगेटिव है, देयरफॉर cot थीटा भी नेगेटिव है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो आप पढ़ते थे साइन कॉस टैन कॉट, इनकी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है, और पॉजिटिव होती है तो क्यों पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है तो क्यों निगेटिव होती है, मैं ये बात आज रखा हूं। आप उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, एक बार आप फिर से इसे पढ़ना और एक बार फिर से पढ़ करके इसे ठीक से लिखना कि आपको इसको रीजन के साथ याद होना चाहिए। मैं इस सारी बातों को एक समरी में यहां दिखा देता हूं आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने बोला है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसे, ये सब पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपने बोला है साइन कोसेक पॉजिटिव है, tan cot cos sec ये नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपने बोला है tan cot पॉजिटिव है, sin cos sec cosec नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने बोला है cos sec पॉजिटिव है, sin tan cot एंड कोसे नेगेटिव। इसी को याद करने के लिए लोग कहते हैं इसे आप ए एस टी सी से याद रखो। यस ए का मतलब होता है आर पॉजिटिव और यस मींस साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसे और अदरवाइज नेगेटिव। टी मतलब टेन, टेन का cot ये पॉजिटिव और बाकी आपके पास जो बच गए वो नेगेटिव। सी मतलब कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल से ये पॉजिटिव और बाकी आपके पास जो बच गए वो नेगेटिव। इसी को ऐसे याद करने के लिए बताया जाता है। ठीक है, आज मैं आपको ये बताया हूँ कि ये पॉजिटिव नेगेटिव होते क्यों। ठीक है, अभी आप इतना करो, फिर आपको नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ते हैं। ओके।